टीवी इनका देखिए, यहाँ पर लाइन है, इतना जबरदस्त, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ा क्लोज होके देखिए, देखिए इनका पूरा लाइन है। वो तो शुक्र है कि इनकी जान बच गई, बहुत ही इंटेंस। और भी कहीं आपको लगा था चोट? नहीं, यहाँ पे नहीं। सोचिए कितना ये क्रिटिकल जगह। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ कि जो अभी कुछ दिन पहले बहुत ही इंटेंस ट्रेजेडी से गुजरे थे, बहुत ही उनके साथ बुरा हुआ था। तो वो आज मेरे साथ है। एक तरह से आप कह सकते हो कि वो मौत के कुआं से वापस आए थे। मौत का मंजर, मौत को कहते हैं ना, मौत को छू के टैक्स नहीं वापस आया, तो वही वाला ट्रेजेडी। आई एम डैम सीरियस। तो आज वो शख्स मेरे सामने बैठे हुए, उनसे थोड़ा बहुत गुफ्तगू होगी। उससे पहले मैं आपको अपने दोस्त विपुल से मिला देता हूँ। हेलो विपुल भाई, इन्हें तो सब लोग जानते होंगे, मेरे सॉन्ग में भी ये रहते हैं और अभी तो खासकर स्पेशली ट्रेंडिंग में चल रहे हर सॉन्ग में ही है। तो आइए अब मिलाते हैं इस शख्स से। तो सबसे पहले हाय एवरीवन, इनका नाम दीपक कुमार है और ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो सबसे पहले दीपक भाई, आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कब हुआ, कैसे हुआ था ये ट्रेजेडी? ये जो हुआ था 30 जनवरी को हुआ था, ठीक है। अच्छा। और उसमें गाड़ी था, जिक्सर बाइक था और दो लोग बैठे हुए थे। एक हमारे से सीनियर भैया थे जो NIT से थे और उन्होंने ड्रिंक कर लिया था और साथ में हम भी कर लिए थे, मतलब ओवर थे। और उधर से ट्रक वाला आ रहा था, हम लोग इतने ड्रिंक किए हुए थे कि उसको जाके डायरेक्ट डंपर में हम लोग मारे। अच्छा। ट्रक वाले में। अच्छा। और वहाँ पे ऐसा था कि आप लोग अगर हैं तो रास्ते में, ऐसा नहीं है घर से बाहर है तो आपको जान बचाने के लिए लोग हैं वहाँ पे। वहाँ के आसपास लोगों ने उठाया, एम्बुलेंस पे वहाँ पे लोड किया किसी तरह। अच्छा। फिर वहाँ से हॉस्पिटल में ले गया। अच्छा। जो हमारे पास में औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल है, वहाँ से फिर वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर कुछ दिन एम्स में हम एडमिट थे। अच्छा। 3 से 4 दिन पटना एम्स में एडमिट रहे। फिर अभी भी जाके हम सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो आप देख लो, जैसा कि इनका कंडीशन अभी भी सही है, नहीं सही नहीं है, बहुत ही इनका नाजुक हालात है। तो दीपक भाई ये बताइए कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त आपको लगा था कि हाँ मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं? ऐसा उस टाइम तो नहीं फील हुआ था क्योंकि मैं उस टाइम होश में ही नहीं था। अच्छा। और होश में आने के बाद भी थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, लोगों के बोल रहे थे अब आपका दाग नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, लेकिन घर वाले बोले जिंदा होना जरूरी है, दाग वगैरह कोई मैटर नहीं करता है। बिल्कुल। सब कुछ पहले जिंदा होना जरूरी है इंसान। तो आप लोग कितने लोग थे गाड़ी पे? हम लोग 2 लोग थे। तो दोनों का हालत बहुत, दोनों का हालत, आप गाड़ी चला रहे थे? गाड़ी चला रहे थे। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे थे। और एक बात और हम आप सभी लोग से बोलेंगे, गाड़ी आप ड्रिंक कितने भी चला पिए हुए हैं कोई नहीं, कोई मैटर नहीं, लेकिन आप हेलमेट जरूर पहने। बिल्कुल। हेलमेट तो पहली बात, तो आप ये बताइए कि आपको पीकर चलाना ही नहीं है गाड़ी। हाँ। इवन हेलमेट हो चाहे ना हो। हाँ। चांसेस रहता है एक्सीडेंट होने का, चांसेस पूरा रहता है, लेकिन अगर आप पी रखे हैं तो हेलमेट कंपलसरी है कि आप लगा लो। एक तो पहली बात तो आपको पी के चलाना ही नहीं चाहिए, और अगर आपका कुछ ज्यादा मतलब मजबूरी है या फिर कहीं आप जा रहे हैं जो कि, तो फिर पूरा सेफ्टी के साथ और गाड़ी को एकदम स्लो में चलाइए। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट आपने सुना होगा कि गाड़ी चलाकर लोग पी कर लोग गाड़ी चला दिए, उनका एक्सीडेंट हो गया। आई होप कि इनकी जान बच गई, बहुत ही अभी बुरे हालात से वापस आए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका स्पॉट डेथ हो जाता है या फिर बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो दीपक भाई, आप अपने इस एक्सीडेंट से, आप अपने इस ट्रेजेडी से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना, मैं अपने लाइफ में इससे एक्सीडेंट से सीखा कि कभी भी लाइफ में ड्रिंक नहीं करना है, और ड्रिंक करना भी है तो आप घर में कर लो, लेकिन बाइक मत यूज करो। बिल्कुल। रोड पे मत जाओ। रोड पे जाओगे तो आप जो ब्लड डोनेशन आप ऐसे करते हो, विदाउट में डोनेशन चला जाएगा रोड पे। अच्छा है कि आप ब्लड डोनेशन अस्पताल में जाके कर लो, ठीक है, लेकिन ऐसे रोड पे क्यों फालतू में ब्लड दे रहे हो? और देखिए मेरे से दिखाओ इनका, देखिए यहाँ पर लाइन है, इतना जबरदस्त, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ा क्लोज होके देखिए, देखिए इनका पूरा लाइन है। वो तो शुक्र है कि इनकी जान बच गई, बहुत ही इंटेंस। और भी कहीं आपको लगा था चोट? नहीं, यहाँ पे नहीं। अब सोचिए कितना ये क्रिटिकल आपका, क्योंकि सबसे अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है ये हेड के, तो कितना क्रिटिकल वहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ था। बहुत शुक्रिया ऊपर वाले के कि इनकी जान बच गई। क्या पता इन्होंने कुछ अच्छा किया होगा या फिर लाइफ में कुछ ऐसा किया होगा जिनके वजह से ऊपर वाले ने इनकी जान बचा ली। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और एक्सीडेंट से तो बिल्कुल ओवर स्पीडिंग भी ना करें। आप पीए ना, से रिक्वेस्ट करूँगा कि गाइस आप लोग ड्रिंक करके कभी बाइक ना चलाएं। बिल्कुल। बाइक चला के अच्छा, कितने दिन हो गए आप ये एक्सीडेंट के? ये मेरा 30 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था। कितने दिन आप हॉस्पिटल में रहे थे? हॉस्पिटल में हम वहाँ 2 दिन रहे थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, फिर एम्स में 3 दिन। घर वाले तो बहुत परेशान हो गए? बहुत बहुत ज्यादा। घर वाले
आपको कोई दोस्त यार नहीं आएगा इसमें, इस कंडीशन में घर वाले ही आएंगे। बिल्कुल, इस ऐसा कंडीशन होता है कि माँ बाप को छोड़ के कोई नहीं देखने वाला है इस कंडीशन में। इसलिए है कि अपने से सावधानी से चलें, सतर्क रहें और सही से रहें, और कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही एक लाइफ लेसन था दीपक भाई से। आई होप जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को उनसे इनसे ये सीख मिलती है कि पीकर गाड़ी ना चलाए, स्पेशली रात में या फिर ओवर, क्योंकि इंसान क्या रहता है कि जब पी लेता है ना तो उनका ब्रेन सही से काम नहीं करता, जिसके वजह से वो ओवर स्पीडिंग कर देता और फिर चांसेस होता है कि एक्सीडेंट होने का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार दीपक भाई यार सब्सक्राइब करने के लिए बोलो और प्लीज इनके लिए दुआ करें कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। लोग ये भाई हमारे हैं, बहुत बड़ा मतलब बहुत बहुत अच्छा, हम इनको कॉलेज से देख रहे हैं। मेरा तो ब्रांच ही एग्रीकल्चर है, इनका सीएस ब्रांच है, लेकिन जितना स्ट्रगल किए हैं अभी तक बहुत अच्छा बेहतरीन आगे बढ़ रहे हैं। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इनका आप बस सपोर्ट किए, ऐसे जैसे बनाए हैं इसी तरह बनाए रखना, बस इसी तरह बनाए रखना। सो थैंक यू दीपक भाई वेरी मच। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बन रहे स्टॉप।